हाय फ्रेंड्स, देव किचन के आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परफेक्ट वाली पिज्जा बेस की रेसिपी। सुपरमार्केट या कोई भी बेकरी में जो पिज्जा बेसेस मिलते हैं ना, उससे भी अच्छी क्वालिटी के पिज्जा बेसेस आप घर पर अब आसानी से बना पाओगे। इसे घर पे बनाने के मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो होगा ओवन में और दूसरा तरीका होगा गैस पर। सबसे पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मेजरमेंट्स भी मैं दोनों दूंगा, एक तो टेबलस्पून और कटोरी का और दूसरा होगा वेइंग स्केल यूज करके ग्राम्स वाला। फ्लैट भरी हुई 3.5 कटोरी मैदा हम लेंगे। कमर्शियल पर्पस के लिए आपको अगर बनाना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बेकरी मैदे का इस्तेमाल कीजिए, और घर पर बनाने के लिए रेगुलर मैदा भी चलेगा। अगर ग्राम्स में हम देखेंगे 3.5 कटोरी, तो यह है 300 ग्राम मैदा। ये मेजरमेंट बहुत जरूरी है। गेहूं का आटा लेंगे 30 ग्राम, जो है आधी कटोरी। इससे टेस्ट में फर्क पड़ता है और भी ज्यादा अच्छा लगता है पिज्जा बेस। 175 ml पानी लेंगे, मैंने गिन के लिया है। 1 टेबलस्पून शक्कर, जो है 8 ग्राम। 1/2 टेबलस्पून नमक, जो है 4 ग्राम। ड्राई ईस्ट लेंगे हम 7 ग्राम, जो है 1.5 टेबलस्पून। अगर आपको फ्रेश ईस्ट यूज करना है तो आपको 15 ग्राम लेना होगा। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लेंगे 60 ग्राम या 60 ml। पानी थोड़ा गुनगुना करना है, वार्म करना है, और आधे से ज़्यादा पानी हम डालेंगे इस बोल में। थोड़ा पानी रख देंगे और अब इसके अंदर सबसे पहले डालना है शक्कर, और शक्कर डालने के बाद इसमें डालना है ड्राई ईस्ट। इसे हमें एक्टिवेट करके लेना है। इसे चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ड्राई की जगह पर अगर आप फ्रेश वाला ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली आप मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त सिर्फ नमक फ्रेश इसके ऊपर नहीं डालना है। इसे कवर करके रख देंगे आप 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे खोल के इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे मैदा, इसके साथ ही ऊपर से डालेंगे गेहूं का आटा और नमक। ऑयल भी डालेंगे लेकिन पूरा ऑयल नहीं डालना है, अराउंड 60% ऑयल डालना है, 40% बचा के रखना है, हमें बाद में लगेगा। और अब इसे हाथ से मिक्स करेंगे अच्छे से, और मिक्स करते वक्त सब चीज़ें मिलाने के बाद इसे गूंदना है हमें, और गूंदते वक्त बचा हुआ पानी भी हम डालेंगे। ये थिक पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी है। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी मैंने ऑलरेडी देव स्टेशन पे शेयर की है। ये डाल दिया मैंने बचा हुआ इसके अंदर पानी। हो सके तो मेजरमेंट्स आप करेक्ट लेना जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, और ये मिक्स करते वक्त हाथ में ये जो डो है चिपकेगा, कोई बात नहीं, उसे हाथ से थोड़ा सा ऐसा रब करके निकालना है, और हाथ पर तेल लगाकर जो हमने बचा हुआ तेल रखा है उसे हाथ पर लगाना है, और थोड़ा सा डो में भी डालना है, और इसे अच्छे से गूंदना है। एक 8-10 मिनट इसे अच्छे से गूंदना है, तभी आपके जो पिज्ज़ा बेसिस है वो सॉफ्ट नरम बनेंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने ऑयल एक्स्ट्रा रखा हुआ है। 10 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद ये एकदम स्मूथ डो हो जाएगा। इसे इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है, और बोल में भी नीचे थोड़ा ऑयल लगाया हुआ है। इसे इस तरह से घुमा लेंगे और इसे अभी कवर करके रखेंगे 1.5 घंटे के लिए, और 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे ये डो साइज़ में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की 5 सेम साइज़ की हम प्लेट्स इस्तेमाल करेंगे। 7 इंच अंदर का डायमीटर होगा। आइडियली पिज्ज़ा मेश या पिज्ज़ा स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है, लेकिन घर पर ये नहीं होगा, इसके लिए मैं स्टेनलेस स्टील की प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। और ये डो देखिए आप 1.5 घंटे के बाद डबल साइज़ इसका हो गया है, और आप इसका वज़न करोगे तो 550 ग्राम इसका वज़न होगा। और अब ये जो पिज़्ज़ा डो है हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, तो मतलब 110 ग्राम का वेट होना चाहिए ऑलमोस्ट। और ये जो मैंने प्लेट लिए है स्टेनलेस स्टील के, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, और इसका मैं वज़न कर रहा हूँ अराउंड 110 ग्राम। अगर वेइंग स्केल नहीं है तो फिर आपको अंदाजे से इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसे हाथ पर अच्छे से रोल कर लेना है। आप देख रहे हैं हम इस रेसिपी से 5 पिज़्ज़ा बेसेस बना रहे हैं, और जो डो का वेट है वो 110 ग्राम का है, और इसका जो फाइनल डायमीटर होगा वो होगा 6 इंच का। लेकिन प्लेट तो हमने 7 इंच की ली है ना, प्लेट का जो अंदर वाला डायमीटर है वो 7 इंच का है। उसका रीज़न ये है कि ये बेक होने के बाद श्रिंक हो जाता है पिज़्ज़ा बेस, इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है प्लेट का। अब इसे रोल करना है फ्रेंड्स। इसे बेलते वक्त
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटर में से पतला नहीं होना चाहिए, साइड साइड से बेलना है और इक्वली रोल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अराउंड 7 इंच अंदाजे से मैंने इसे रोल कर लिया है। कुछ लोग इसे अच्छा राउंड शेप आने के लिए कटर या प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उससे कट करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आप ना करें, क्योंकि इससे टेक्सचर ख़राब हो जाता है। पिज़्ज़ा बेस का जो साइड्स है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, आदत आपको हो जाएगी। और अगर आप बेलते वक्त थोड़ा सा 19-20 शेप अगर आपका आया हुआ है, तो जब प्लेट में आप रखोगे ना, तो उसे आप थोड़ा राउंड शेप दे देना। प्लेट में रखने से पहले फोक से इसे छेद कर लेंगे, और देखिए कैसा मैं कर रहा हूँ। प्लेट में रखने के बाद भी इसे अगर शेप ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा साइड से प्रेस करके इसे राउंड शेप इस तरह से देना है। थोड़ी डेप्थ वाली मैंने प्लेट ली है, इसके लिए शेप भी अच्छे से आ रहा है। ये देखिए सब मैंने रोल कर लिए पिज़्ज़ा बेसेस, और फोक से मैंने इसे छेद कर लिया है, और अब इसे हम कवर करके रखेंगे 45 मिनट्स के लिए। पिज़्ज़ा बेस का साइज 45 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अब ये पिज़्ज़ा बेस दो तरीके से हम पकाएंगे। पहला जो तरीका होगा वो हम गैस पर पकाएंगे। तो पैन लिया है मैंने, उसके अंदर डाल दिया नमक, डाइनिंग टेबल पे जो जाली इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो मैंने सेंटर में रख दी है, और गैस ऑन कर लिया है, और इसे ढक के रख देंगे। तो एक तरह का एक ओवन हमने बना दिया है गैस वाला, और दूसरी तरफ ओवन जो घर पर होता है OTG वो प्रीहीट करने के लिए रखेंगे 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 45 मिनट्स हो चुके हैं, और ये देखिए पिज़्ज़ा बेसेस कितने अच्छे से फूल गए हैं। आपको देखकर पता लग रहा होगा कि कितना फ्लफी और कितना बढ़िया पिज़्ज़ा होने वाला है ना। बेक करने से पहले पिज़्ज़ा बेसेस के ऊपर पानी छिड़कना है, इससे पिज़्ज़ा बेस अच्छा फूलेगा और लाइट होगा। चलो अब इसे करते हैं बेक। सबसे पहले ओवन में पिज़्ज़ा डालेंगे, 240 डिग्रीज पर इसे बेक करेंगे 5 मिनट के लिए, और इसमें बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है ओवन में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, और कमर्शियली भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो चुका है, ये फूला भी बहुत अच्छे से है, और कलर भी अच्छा आया हुआ है। अब इसे सबसे पहले कोई भी जाली के ऊपर इसे ठंडा करना है। जाली के ऊपर इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पिज़्ज़ा बेस सॉगी हो सकता है स्टीम की वजह से। ऊपर से ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि शाइन अच्छे से आ जाए। ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। अब देखेंगे दूसरा तरीका। गैस पर ये पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर पिज़्ज़ा बेस डालेंगे। इसे बेक करना है हमें 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के बाद इसे निकालेंगे, और आप देखेंगे ये भी बहुत अच्छे से फ्लफी हुआ है। ऊपर से इतना कलर नहीं आएगा, लेकिन नीचे देखिए कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसके साथ ही इस पिज़्ज़ा बेस को भी हम ठंडा कर लेंगे, इसके ऊपर भी ऑयल हमें लगाना है। टेक्सचर और इसका थिकनेस बहुत ही अच्छा आया हुआ है। दोनों तरीके बेहद आसान हैं, और पिज़्ज़ा बेस दोनों तरीके से बहुत अच्छा बनेगा। मैंने बाकी पिज़्ज़ा बेसेस भी बेक कर लिए हैं, और देखिए कितने बढ़िया बन चुके हैं ये पिज़्ज़ा बेस, एकदम सॉफ्ट और उतने ही टेस्टी। अब बाहर से पिज़्ज़ा बेस लाने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। इसे प्लास्टिक के थैले में रैप करके आप फ्रिज के अंदर रख सकते हो, आराम से 4 से 5 दिन चलेगा। जल्दी आपके लिए होटल वाला हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ऑथेंटिक वाला, उसकी रेसिपी लेके आ रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप पिज़्ज़ा बेसेस कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।